हेलो दोस्तों, आपका मंजीत एकेडमी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम पाइप और टंकी के ऊपर डिस्कस करेंगे, क्योंकि इस टॉपिक से एक या दो क्वेश्चन हर बार हर गवर्नमेंट एग्जाम में जरूर आते हैं। तो दोस्तों देखो, इस प्रकार एक नल किसी टंकी को 4 घंटे में भरता है, बी नल उसी टंकी को 6 घंटे में भरता है, तो बताओ दोनों मिलकर उस टंकी को कितने समय में भरेंगे। ए नल किसी टंकी को भरता है 4 घंटे में और बी नल किसी टंकी को भरता है 6 घंटे में। अब इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, तो दोनों 4 4 3 12, एलसीएम कितना आ गया 12। 4 को 12 से भाग देंगे 3 और 6 को 12 से भाग देंगे 2, ये इनके अनुपात आ गए। अब निकालने का सूत्र होता है एलसीएम बटे अनुपातों का योग। तो एलसीएम है 12, अनुपातों का योग है 3 और 2 5, इसके बटे कितने कर देंगे 5। 5 को 12 से भाग देंगे तो 2 सही 2/5 घंटे में वो दोनों मिलकर उस टंकी को पूरा भर देंगे। अब इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और देखो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। ए नल किसी टंकी को 5 घंटे में भरता है, बी नल उसी टंकी को 10 घंटे में भरता है, तो बताओ दोनों मिलकर उस टंकी को कितने समय में भरेंगे। ए किसी टंकी को भरता है 5 घंटे में, बी उसी टंकी को भरता है 10 घंटे में। हम दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 5 और 10 का 5 से भाग देंगे तो एलसीएम आ गया 10। अब 5 को 10 से भाग देंगे तो 2 और 10 को 10 से भाग देंगे 1, ये इनके अनुपात आ गए। निकालने का सूत्र होता है एलसीएम बटे अनुपातों का योग। एलसीएम है 10, अनुपातों का योग है 2 रे 3। अब 3 को 10 से भाग देंगे तो 3 सही 1/3 घंटे में वो दोनों मिलकर उस टंकी को पूरा भर देंगे। यदि दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। यदि आप मेरे चैनल पे न्यू विजिटर हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों थैंक यू।